नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएन भारत और मैं हूँ राशिका बजाज। आज फिर से मेरा अभिनंदन आप स्वीकार करें। मैं अभी राजधानी रांची के मेन रोड डेली मार्केट थाना के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी देखा जा रहा है पिछले जो अभी 1 जुलाई था उस 1 जुलाई को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। वहीं जो थर्माकोल इतना ज़्यादा बिकता था और वहीं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सखुआ का पत्ता से दोना बनाया जा रहा है ये अभी काफ़ी ज़्यादा बिकने लगा है, क्योंकि थर्माकोल जो है उसे बैन कर दिया गया है और उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता था। वहीं इसे बना करके कुछ महिलाएं हैं जो बेच रही हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इस पर खाना खा सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, थर्माकोल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारे साथ आम जनता मौजूद है, आइए उनसे बात करेंगे। वो ये सखुआ का पत्ता से जो मना दोना है उसको लेने के लिए आई है, जब से ये सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक बैन हो चुका है आप इसको लेके जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इफेक्टिव है या वो इफेक्टिव नहीं? हमको तो ये देखिए, इससे प्रदूषण, हमको प्लास्टिक से प्रदूषण फैलाता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं। सूख भी जाने से जल्दी जलता है, प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है, तालाब में जाता है जल्दी गलता नहीं है, नदी में जाता है गलता नहीं है, नदी का जानते हैं साफ साफ। लेकिन जब थर्माकोल्स बिकता था तो आप लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते थे, आप लोग थर्माकोल्स को यूज़? थर्माकोल भी सही नहीं है, सबसे अच्छा है देखिए पत्ता, कि सूख जाने से भी जल्दी जलता है, थर्माकोल जल्दी जलता नहीं, उड़ जाता है, नदी में जाता है, समुद्र में जाता है, गंदी होता है, उससे हमारा बीमारी फैलता है। मतलब आप मानते हैं कि यही प्लास्टिक बैन ही रहना चाहिए, यही बिकना चाहिए? नहीं नहीं, ये बिकना चाहिए, प्लास्टिक बैन ही रहना, बैन रहना, क्योंकि बेरोजगार हो गया। ठीक है, सरकार को देखिए कुछ टाइम देना चाहिए, उसको भी कुछ व्यवस्था जरूरी है, हमारा कहना देखिए कुछ टाइम देना जरूरी है। देखिए दुकानदारी भी कुछ हेल्प करेंगे कि हम भी पोलोथीन नहीं रखें, उसके लिए सरकार को कुछ हेल्प जरूरी है। आप किस लिए इसको लेने आए? हम तो देखिए कुछ काम के लिए, पूजा के लिए लेके आए। हमारे बगल में जो ये कस्टमर खड़े हैं वो इनके जो हाथ पर ले रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। किस दुकान के लिए आप लेकर जा रहे हैं इसको? पान का दुकान है। अच्छा, आप पान बनाते हैं इस पत्ता पे? आप अभी से ले रहे हैं या फिर इनसे पहले से लेते आ रहे हैं? पहले से लेते हैं। कब से ले रहे हैं? अरे बहुत साल से लेते आ रहे हैं। प्लास्टिक बैन हुआ, इसका समर्थन करते हैं? हाँ, पूरा समर्थन करते हैं। बैन ही रहना चाहिए? बैन रहना चाहिए, लेकिन उसके जगह पर कुछ आना भी तो चाहिए, आदमी काम कैसे करेगा? मतलब बहुत सा सामान है, बिना प्लास्टिक का तो होगा नहीं, तब उसके लिए कुछ तो सरकार को निकालना चाहिए। अचानक बंद करने से बहुत परेशानी हो रहा, दिक्कत हो रहा है। हाँ बहुत, अब जिसको 10 ठोंगा पान देना है, 5 ठोंगा पान देना है, तो खोजेगा ना कैरी बैग, तब हाथ में पकड़ाते हैं तो किस नंबर हम पर भमकता है, उलझता है कि ऐसे कैसे ले जाएंगे। हाँ छोड़ो, देता बोला कि नहीं रखिए अब अपना सामान, हम जा रहे हैं। तो अभी हमने दो जनता से बात की, दो जनता का कहना है कि हाँ थर्माकोल बैन हुआ है, प्लास्टिक बैन हुआ है, उसके जगह पे ये आना काफ़ी सही है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज़ है, इस पर खाना खाना। और जैसा कि आपको पता ही होगा, गांव देहात के जो लोग होते हैं उनका भोज जो होता है वो इसी पत्ते पे वो खाना खाते हैं, इसी दोने पे, इसी पत्ते पे वो खाना खाते हैं। गांव देहात में प्लास्टिक बहुत कम ही यूज़ होता है, ना के बराबर, इसी पत्ते पे वो लोग खाना खाते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि आप इसको यूज़ करें। थर्माकोल्स बन ही रहे, बैन ही रहे, जीएन भारत भी अपील करती है कि थर्माकोल प्लास्टिक के साथ बैन रहे, लोग यहाँ पर आए इसी को लेकर के जाए और इसी में खाना खाए, चाहे किसी का भोज हो या फिर किसी की पार्टीज हो, वो इसी को यूज करे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।